आई लव यू। तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे प्रपोज करो। मैं तो तुम्हें बेस्ट फ्रेंड समझती थी, लेकिन तुम तो बेस्ट फ्रेंड बनने के लायक ही नहीं हो। तुम तो मुझे फ्रेंड से गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। और हाँ, एक और बात, तुम्हारे जैसे ना 36 लड़के फिरते हैं मेरे आगे पीछे, पर आज तक किसी को भाव नहीं दिया। ये ले जाओ अपने 10 रुपए वाला फूल, और साथ में मुझे ना फूल लेके फूल बनाने की कोशिश मत करना। यार तू पागल है क्या? इतना हॉट और हैंडसम लड़का हाथ से जाने दिया। हॉट और हैंडसम? तुझे कहाँ से ये हॉट और हैंडसम लग रहा था? और हाँ, तेरे जैसी लड़कियां बनाती होंगी बॉयफ्रेंड, मेरा वाला तो मेरी मम्मी लेके आएगी, वो हीरा होगा, हीरा। हंस क्या रहे हो? पति काला हो या गोरा, मोटा हो या पतला हो, नाटा हो या लंबा हो, इन सब चीज़ों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें फर्क पड़ना चाहिए बस उसके पास गाड़ी है कि नहीं है, बंगला है कि नहीं है, बैंक बैलेंस है कि नहीं है, सरकारी नौकरी है कि प्राइवेट नौकरी करता है, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ना चाहिए। और हाँ, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। बेटा एक गिलास पानी देना। यार खुद ले लो मम्मा। मम्मा एक पानी का गिलास देना, मैं सेल्फीज ले रही हूँ। ये मेरी शादी की पहली सेल्फी होगी, अच्छी आनी चाहिए, पोज बना लेती हूँ अच्छा सा। बहू जी, मां जी जरा एक गिलास पानी देना। मां जी आपके पास ही तो पड़ा है। अच्छा तो अब मुझे काम दिखाओगी? पूरा दिन ऐसे ऐसे करके घूमती रहती हो, थोड़ा रसोड़े का काम भी कर लिया करो। माँ जी मैंने सारा काम तो कर दिया है। अच्छा तो चलो, अब मेरे थोड़ी टांगों में दर्द हो रही है, थोड़ा दवा देना। बेटा ये लो तुम्हारे लिए सूट लेके आए हैं, इसमें तुम बहुत ही सुंदर लगोगी, देखना तुम। मुझे नहीं पहनना यार ये सूट वूट, मैं कैसे ये दुपट्टा कैरी करूंगी, मुझसे नहीं होता ये सब, ले जाओ आप इसे। ठीक है अब नहीं पहनना तो नहीं पहनो, ले जाते हैं वापिस, तुम्हारी मर्जी। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय, साथ में नमकीन भी लाई हूँ। ये क्या पल्लू बहुत भारी है क्या तुम्हारा, जो सर पे नहीं टिक रहा? नहीं माँ जी, वो बस काम करते करते गिर गया होगा। मम्मा मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, और हाँ डिनर बाहर करके आऊंगी, आप टेंशन मत लेना, आप खाना खा लेना। ओके बाय। हाँ थोड़ी लेट हो जाऊंगी साथ में। मां जी आज ना ये मुझे बाहर डिनर कराने के लिए बोल रहे थे, तो मैं जाऊँ? बाहर? आज तक मैं ना गई तुम्हारे ससुर जी के साथ कभी बाहर? हमारे घर में ये रिवाज ना आया कि बगर की बहुएं मटर गश्ती करती हुई बाहर घूमे। पर माँ जी ये तो मेरे साथ ही होंगे ना। अच्छा तो अब तुम पढ़ी लिखी हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हम पे हुक्म चलाओ। बोल दिया तो बोल दिया। माँ जी। बेटा उठ जा, उठ जा बेटा, 12 बज गए, उठ जल्दी। ये चुन्नू कितना रो रहा है। आजकल की लड़कियां, इनसे एक बच्चा नहीं संभाला जाता। हमारे जमाने में हम 7-7 बच्चे संभालते थे।